राज्यसभा के अंदर जो हमारे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी, वो वहाँ के मेंबर हैं, उन्होंने बाकायदा उसमें साइन किए। जब तो उसमें कोई विरोध हुआ नहीं, लेकिन जब वो बन गया था, बनने के बाद में विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो चंद लोग हैं। भारत जो है कृषि प्रधान देश है, इसके अंदर 70% लोग जो हैं वो छोटे काश्तकार हैं, जिनके पास भूमि 4 बीघे 5 बीघे 10 बीघे है। जो बहुत बड़े सरमायेदार हैं, ये उनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि उससे इस बिल से जो है छोटे लोगों को फायदा होगा। मैं 5 बीघे का जमींदार हूँ, मैं तो जमींदार क्या हूँ। अब मेरे पास 5 बीघे में जो मैंने फसल बोई है, मैं उसे मंडी में ले जाने के लिए पहले मेरे को भार्गव खरीदना पड़ेगा, उसे किराया देना पड़ेगा, वहाँ जाकर टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद में वो अपनी मनमानी जैसी चीज़ को खरीदेंगे। लेकिन जो इससे क्या है कि छोटे काश्तकारों के पास जो है, जो हम एक NST लेके आए हैं, उससे वहाँ जाके जो है ना, अपने आप जो है उनके पास जाके, वो खेत में जाके उस फसल के बारे में बात कर लेगा, भाई आपकी फसल मैं लेना चाहता हूँ, तो उसको ना तो भार्गव कागज देना पड़ेगा, वहाँ उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा, ना टैक्स देना पड़ेगा। इससे 70% लोगों को जो है फायदा है। और यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो चंद लोग विरोध कर रहे हैं। और अब अगर मान लीजिए इसको, और सरकार बार बार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, जो इसमें कमियां हैं हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, लिखित में देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये कथाकथित कुछ लोग, विपक्षी लोग, जिनके हाथ से सत्ता चली गई, उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि 60 साल देश में जो, मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं हुआ, हुआ लेकिन कम हुआ। और जो मोदी जी की जब से सरकार आई है, जैसे BJP की सरकार आई है, उसके अंदर उन लोगों को सिर्फ देश के सिवा उनको और कोई काम नहीं है। देश के अंदर बहुत जबरदस्त विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। इन 6 सालों में 7 सालों में विश्व बैंक से कोई भी कर्जा नहीं लिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोगों को सोच लेना चाहिए, लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये एक प्लान है भारत को कमजोर करने के लिए। जो साजिश पीछे से, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, चाहे कनाडा रहा हो, या कोई भी रहा हो, उनकी ये साजिश है कि किसी प्रकार से भारत के विकास की रफ्तार को रोका जाए, कैसे ही भारत को तोड़ा जाए। जो ये, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमारी सेनाएं, हमारी हमारी खुफिया एजेंसी सतर्क हैं, उन लोगों पर निगाह है। इससे उनको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन अपने प्रयासों में वो सफल नहीं होंगे किसी भी रूप में जो है। और जो कानून बन गया है वो कानून कभी खत्म नहीं हो सकता। उसमें संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, और बातचीत से ही उसका हल निकलेगा। किसान कभी जो है ना अपनी मसास नहीं कराता। किसान की मसास तो उसकी अपनी मेहनत मसास है। ये जो सब काम हो रहा है, ये दिख रहा है, ये बाहर से जो है पाकिस्तान के माध्यम से, कनाडा के माध्यम से, जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वहाँ से फंडिंग हो रही है। उस फंडिंग के माध्यम से ही सब लोगों को जो है वहाँ पर जो है, आप बताइए, किसान कहीं जो है उसका जो अनार का जूस पीता है, किसान की बादाम का जूस पीता है, लेकिन वहाँ सब ऐसा हो रहा है। और इंग्लिश मशीनें लगाई गई हैं, मसाज हो रही है, ये सब क्या है? ये सब जो है देश को तोड़ने की राजनीति चल रही है, जो कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये लोग कभी अपने मंसूबे में पूरे नहीं हो सकते। और जो लोग मोदी जी की मारने की और मरने की बात करते हैं, जब जिसका समय आएगा वो चला जाएगा, उनके मारने से मोदी जी मरने वाले नहीं हैं। ये देश का किसान और इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। आज दोबारा चुनाव करा लीजिए। मैं उन किसानों के, 70% किसानों को इस जो कानून आया है इससे बेनिफिट है, तो 10% किसानों के चक्कर में मोदी जी उनकी कभी भी इस बात को नहीं मान सकते। संशोधन करने के लिए हमारी केंद्र सरकार हर तरीके से तैयार है, जब मर्जी तैयार है। राजनाथ सिंह देखिए आज मीटिंग ले रहे हैं, नखलऊ के अंदर जो है वो किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। इससे पहले जो टिकैत साहब से उनकी बात हुई है, उन्होंने रास्ता खोल दिया नोएडा का जो है, उन्होंने कहा विरोध करो लेकिन जनता को परेशान मत करो। जनता को परेशान करोगे तो अगर जनता ये आमने सामने टकराने की बात हो गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसी NRC वाला हाल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, इसी प्रकार से जो है कल बेनीवाल जी जो है राजस्थान से 15,000 किसानों को लेकर आ रहे, उनसे बातचीत हुई, वो वापसी चले गए। ऐसी जो है अभय चौटाला जी आए, उन्होंने आके यहाँ बात करी, उनके लड़के ने जो है, तो उन्होंने कहा कि 48 घंटे में इसका हल निकल जाएगा। हरियाणा भी एक तरफ होने वाला है। ये चंद लोग जो बहका में आए हुए हैं किसान जो है पंजाब के, इनकी भी समझ में अपने आप आ जाएगी। आज अभी शायद आपको पता होगा, सिंधु बॉर्डर के ऊपर जो है दो जामिया के मतलब जो है विद्यार्थी पकड़े गए हैं, जिनसे पूछा गया भाई आप कहाँ के किसान हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाए और उनको अरेस्ट किया गया है। और बाकायदा किसानों से कहा गया आप देखिए आपके बीच में ऐसा तत्व आए हुए हैं, इसलिए इन बातों पर निगाह रखने की जरूरत है। नहीं, मैं बस ये पूछ रही हूँ कि बिल के समर्थन में अब लोगों को निकलने की जरूरत है, क्योंकि विरोध तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, अब समर्थन में, जैसे कि आप समर्थन करते हैं किसान बिल का, तो क्या आप लोगों को भी निकलने की जरूरत है अब, ताकि उन लोगों को बताया जाए कि हाँ भैया तमाम लोग ऐसे भी हैं जो बिल का समर्थन करते हैं मोदी सरकार का। देखिएगा ऐसा है, भगवान ना करे कि ऐसा ऐसी नौबत आए कि आम जनता इनके विरुद्ध खड़ी हो जाए। हाँ। जो हमारे चंद किसान, मैं उनमें ये नहीं कहता सब, जो चंद किसान बैठे हैं, मैं नहीं चाहता कि भगवान करे ऐसा हो कि हम सब लोगों को जो है उनके विरुद्ध में जाके खड़ा होना पड़े, सरकार के पक्ष में। सरकार के पक्ष सब जानते हैं सबके बात के बारे में, तो इसीलिए ऐसी नौबत नहीं आएगी। इससे पहले जो है बातचीत के माध्यम से हल हो जाएगा। इसके अंदर सबसे बड़ा विरोध यही है, जो बहुत बड़े जो है किसान हैं, जो बहुत बड़े जमींदार हैं, वो विरोध कर रहे हैं। वो क्यों विरोध कर रहे हैं कि जैसे अभी पीछे क्या था, ये जो
ये जो बिल है ना, ये सारे हिंदुस्तान के सारे राज्यों में नहीं है, ये 3-4 राज्यों के अंदर ही है। वो क्या विरोध कर रहे हैं कि वहाँ से जो है ना, आप का जैसा सरकार ने गवर्नमेंट रेट निकाल दिया, उस रेट में वो अगर मान ली पंजाब में नहीं माल बिक पा रहा उनका, तो वो जो है इससे पहले क्या था, हरियाणा लेके आएंगे तो हरियाणा का टैक्स देना होता था, गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है। ये बहुत बढ़िया बात की है गवर्नमेंट, जो मैं इसका समर्थन करता हूँ और हर किसान इसका समर्थन करता है। उसके बाद में जो है एक बात और, एक काम उन्होंने जो मैं सरकार के खिलाफ एक काम इन्होंने किया है कि जो पूंजीपति है उन्होंने उनसे कहा था, उनका एक स्टॉक था भाई आप 1000 क्विंटल माल खरीद के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनको उन्होंने फ्री कर दिया कि आप जितना मर्जी रख सकते हैं। लेकिन उसमें मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ये भी लिख के दे कि हमने रेट निकाला 2000 रुपये का, तो आप जो है अगर बाद में पूंजीपति बेचेगा तो इसको जो 2500 से ज्यादा या 2200 से ज्यादा नहीं बेच सकता। जी, जी, जी। ऐसा ना हो कि 3000 का बेचे, तो उससे जो है ना निर्धन आदमी जो फिर जो है दिक्कत में आ जाएगा। ये भी ये गवर्नमेंट को लिख के देना चाहिए, गवर्नमेंट इस संशोधन को करने के लिए तैयार है, लिख के देने के लिए भी तैयार है। लेकिन कथाकथित कुछ लोग कांग्रेस जैसे, केजरीवाल जैसे, कि मैं एक दिन के लिए अरे भूख हड़ताल बैठना तो बैठे ही रहो ना, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक क्या है, 2 बजे तक तो केजरीवाल जी वहाँ पहुँचे नहीं, काहे की भूख हड़ताल है। तो ये कुछ लोग जो मतलब जबरदस्ती देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा, नहीं होगा। मोदी जी ने जो बिल निकाला बिल्कुल सही निकाला है, पर यह क्या कि और जो पार्टियां उन्हें भड़का रही हैं उसकी वजह से जो वो कर रहे हैं आंदोलन, समझे, और ये आंदोलन की वजह से सारा व्यापार, दिल्ली का व्यापार चौपट हुआ पड़ा है। तो केजरीवाल का क्या मतलब अनशन पे बैठने का, जितनी ये पार्टियां जितनी इनको सपोर्ट कर रही है ना, वो अपने वोट बैंक के लिए सपोर्ट कर रही हैं, बाकी वो देश हित का कुछ नहीं देख रहे हैं, उसे अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। जनता पागल नहीं है, और मोदी जी ऐसा कर देंगे किसान उनकी हाँ में हाँ करेंगे और अपने आप जल्दी से दिल्ली उठेंगे। जी बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? दिल्ली की जनता कोई पागल नहीं है, वो समझती है राजनीति चल रही है, तो किसी के भड़काने से कोई पब्लिक जो है नहीं भड़केगी ना बहकेगी। अब तो जिसका भी वोट जाएगा मोदी जी को ही जाएगा। छोटी सी बात बताओ, ये शर्जील इमाम और जो उनके बुद्धिजीवियों के पोस्टर लगे थे वहाँ, वो किसान लाएंगे इन जैसे आतंकवादियों को छोड़ देना चाहिए? किसान आंदोलन में उनका क्या काम? ये तो पॉलिटिशियन जो आए हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट में आए होंगे ना वो लेके, बाकी तो किसान को क्या मतलब है? किसान को अपनी खेती से मतलब, अपने देश से मतलब है, वो पॉलिटिक्स में आएगा किसान? वो ये दिखाएगा ना आतंकवादियों को सपोर्ट करें, वो तो जूते मारने चाहिए आतंकवादियों को तो रख के, जैसे CNRC में पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के हाल में, कांग्रेस के टाइम में क्या हालत थे देश के, कांग्रेस जब से आज क्या पोजीशन है इंडिया की, एक टाइम ट्रंप ने आने को मना कर दिया था, अब वो ट्रंप 10 दफा मोदी जी को बुलाता है, कुछ वक्त रखते होंगे तभी तो मोदी जी को बुला रहे हैं। वर्ल्ड में आज एक स्टेटस बोलता है, एक पोजीशन है इंडिया की, कांग्रेस के टाइम में क्या थी, कुछ भी नहीं थी, उनकी तो ये सोच थी बॉर्डर ऐसे ही पड़ा रहने दो। नेहरू जी ने गलती करी, अपनी एयरफोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल करी, जो इतना चाइना हिस्सा ले गया, अगर उस समय अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल करते तो इतना एरिया चला जाता हमारा। आज वो खुद चाइना के उसमें जा रहे हैं, मोदी जी तो उनको कर रहे हैं डंडा दे रहे हैं चाइना के, और राहुल गांधी जा रहे हैं चाइना के राजदूत से मिलने, क्यों पूछे ना इनने कांग्रेस से, सुपड़ा तो साफ हो गया इनका, आने वाला टाइम में नाम लेने वाले बंद हो जाएंगे इनका, कि कभी हुआ करती थी कांग्रेस ऐसे। लेकिन जैसे हम लोग ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करके आए हैं, तो जितने भी किसान हैं उनका ये कहना है कि मोदी जी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, ये बिल लाकर कोई बेड़ा गर्क नहीं कर रहा है, किसान विरोधी है मोदी जी, बीच में जो एजेंट है ना उनकी दाल रोटी खत्म हो रही है, बस इसी चक्कर जो धरने पर बैठे कौन है, बिचौलिए के किसान, इसमें बिचौलिए भी ज्यादा है। ठीक है, किसान तो आया है, किसान तो देखो अपनी खेती से मतलब रखता है, उसे ये नहीं पता क्या करना, उन्हें मंडी में आना अपना अनाज बेचना है, जो बीच में बिचौलिए उनसे 2 रुपए लेके और 20 रुपए बेच रहे हैं, उनकी राजनीति खत्म हो रही है, उनके पेट पे लात पड़ रही है। बाकी हालांकि आज सुबह भी न्यूज में देखा था गवर्नमेंट उनके साथ पूरी सपोर्ट कर रही है, उनकी बातें पूरी मान रही है, लेकिन किसानों को समझ में आ रहा है, लेकिन जो राजनेता हैं, जो बीच के हैं, एजेंट हैं, वो उनको बरकरार रहे हैं। बीच में ऊपर से पार्टियों का क्या मतलब है कि किसानों के बीच में तुम्हारे को सारी पार्टी जो उनको सपोर्ट कर रही है, भारत बंद था मोदी जी एक बार कहें भारत बंद पूरी दुकानें बंद हो जाएंगी, कांग्रेस का पूरा वर्ल्ड की जितनी और 40 पार्टीज हैं ऊपर से नीचे तक का जोर लगा ले, एक दुकान नहीं बंद होगी, पूरा चांदनी चौक खुला था, पूरा बाजार खुला था, कुछ थे सामाजिक तत्व जिन्होंने बंद करी थी उनके सपोर्ट में, अदरवाइज पूरा दिल्ली शहर खुला हुआ था। ये है कि जब तक किसान बैठे हैं काम धंधा बिल्कुल खत्म हो गया, बोरी बट्टों के लाले पड़ गए हैं, इवन सैलरीज तक नहीं निकल रही हैं बंदों की। ठीक है ना, अब इससे ज्यादा जब मोदी जी समझाएंगे, समझा रहे हैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अमित शाह जी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनकी समझ में आएंगे, वो हटेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता है, मैं केजरीवाल जी पे सवाल जरूर करना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे जिस तरीके से केजरीवाल जी स्वागत कर रहे हैं किसानों का, क्या कोरोना दिल्ली में अब नहीं है? जिस तरीके MCD के मेयर वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने कैमरा लगाओ लेडीजों की तरफ लगाए, वो जेंट्सों की तरफ क्यों नहीं लगाए? मास्क नहीं पहना था किसी ने भी वहाँ? हाँ नहीं पहना ना। दूसरा अब खुद को ही कह दिया मुझे जी गिरफ्तार कर लिया, जबकि अपने घर में चुपचाप बैठे हुए। ये तो पब्लिक को ही ना ब्लाइंड वो रखना चाह रहे हैं कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या होगा? मानते हो जो राजनीतिक में लाया जिस उनका सगा नहीं है तो हमारे आम जनता का क्या सगा होगा? उनके मुँह में राम और बगल में छुरी है,
खाने के साथ कुछ, दिखाने के कुछ। वो किसानों के सपोर्ट में तुम्हारा क्या मतलब है? दिल्ली में तुम खेती कर रहे हो जाके, अब तुम्हें तो सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट अपनी जो आ रहे हैं, काम धंधा खत्म हो रहा है, उनके सपोर्ट में जाके उनसे कहो अपना ये खत्म करें, गवर्नमेंट से कॉम्प्रोमाइज करें, जहाँ तुम्हारा सेटलमेंट हो तो ओके करें और अपने काम पे करें, अपनी खेती करें। नुकसान तो देश का भी है, खेती नहीं होगी तो हमको कहाँ से खाना मिलेगा? क्योंकि जय जवान जय किसान दो ही नारा है, लाल बहादुर शास्त्री जी का दो ही नारे थे, जय जवान जय किसान। जब अन्नदाता ही सड़क पे बैठा है और उनको कुछ लोग मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। कुछ चंद है उनमें बुद्धिजीवी, जो जैसे शर्जिल में पोस्टर लिया है, कोई खालिस्तान का पोस्टर ला रहा है, इसमें क्या मतलब है लाने का? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो अंधे को भी पता लग जाएगा कि कौन पीछे से इनको सपोर्ट कर रहा है, हाईजैक कर रहे हैं बिल्कुल। वो बेचारे अनपढ़ लोग होते हैं, उनको जैसा करोगे वो बेचारे वैसे चलने जाएंगे। मान लो 100 किसान है उसमें से, तो 50 उनके एजेंट घुसे हुए होंगे उनकी आड़ में, उसमें अपना नारा दे रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, जी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट। तुम्हारा क्या मतलब है भाई, ये तो बताओ। तुम्हें तो और मोदी जी की हेल्प करनी चाहिए कि इधर इकोनॉमिक डाउन हो रही है, किसान चलेगा, कुछ बढ़ेगा, माल इधर मार्केट चलेगी, तभी तो हमारे देश की कुछ हुआ है। गवर्नमेंट भी कहाँ से अपनी तरफ कब तक करती रहेगी? जब तक उनके पास पब्लिक टैक्स देती है उसी के अकॉर्डिंग चलता सारा। आज चाइना से और पाकिस्तान से कभी भी वॉर हो सकता है, पोजिशन ये आ चुकी है। और हम तो ये कह रहे हैं आज नहीं, और रात को करे, एक बार झंझट खत्म करे पाकिस्तान का और चाइना का। नेहरू जो बीज बोके गए थे ना, वो आज हम भुगत रहे हैं। जो इतने 1000 square feet जमीन चाइना लेके गया हुआ है, उनकी इस समय इतनी बुद्धि में आ जाती है, उस समय सरदार पटेल होते तो इतना ऐसा नहीं होता, इतना झंझट नहीं होता। जो आज ये ओवैसी वगैरह ये जो उछल रहे हैं ना ज्यादा, ये कुछ नहीं होता मैडम। अब मोदी से सब धरे पड़े हैं, मोदी ने ढंग से डंडा दे रखा है इनके में, क्यों नहीं? और आप क्यों नहीं बम फट रहे कश्मीर के अंदर? अब रोज मारे जा रहे हैं, ठोक ठोक के मार रहे हैं, गड्ढों में से निकाल के मार रहे हैं। और कांग्रेस के राज में दिल्ली में वहाँ करके संसद में कुछ का कहीं उस गए। अब आओ ना, अगर असल बाप के हो तो अब कूद के दिखाओ, मोदी दिखाता है, बताएगा तुम्हारे को मैं क्या हूँ। इंडियन आर्मी दिखाएगी उनको, कल भी मारे हैं तो मारे हैं, पकड़ा जिंदा। अब तो नहीं हो रहा है कि सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद ने करा था अपनी भतीजी के लड़की को किडनैप करा के, उसके बाद से ये सिस्टम शुरू हो गया और सपोर्ट में कांग्रेस आती है। ठीक है, जामिया का केस हुआ तो कैसे रो रही थी सोनिया, हमारे जवान शहीद हुए तो कह रहे नकली इन्होंने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे ये देश के गद्दार हैं, ये देश का साथ नहीं है, खाते देश का है, गाते दूसरे का है। ये सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के सपोर्ट में है, ये लोग इंडिया के साथ नहीं है। हर चीज में जहाँ देखो अपोजिशन उरैया हुआ तो वो कह रहे इन्होंने कराया, पुलवामा हुआ तो मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी अपने सोल्जर्स के लिए क्या क्या नहीं कर रहे? अभी किसान आंदोलन में जो खालिस्तान के नारे लग रहे, कह रहे मोदी जी करवा रहे हैं, ये भी वो तो कहेंगे। अच्छा, उनकी आंख में तो कंक्रीट समझ रहे हैं ना, क्योंकि देश को मोदी जी ने एक ऐसे स्टेटस पे अलग रख दिया है कि अगर नेक्स्ट प्रधानमंत्री आना मोदी जी नहीं है, चाहे वो अमित शाह जी को बनाए चाहे किसी को बनाए, क्योंकि उन्होंने एक रूल बनाया था नहीं इस तक प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद अगर अमित शाह बन गए या वो बन गए तो और लोगों की आंखों में खड़केंगे। यूपी देखो कितनी अच्छी स्टेज पे ला दी है, ठीक है, क्राइम दिन पर दिन खत्म हो रहा है, और मुलायम सिंह के उसमें और तुम्हारे उनका अखिलेश के उसमें, मायावती के में कितना क्राइम बढ़ रहा था, और अब देखो उन्होंने खुद कह रखा है अपराधियों से राम नाम सत्य और अपने किसानों से राम राम, दो काम करो, जो काम अच्छा करेगा तो पब्लिक उसी को सपोर्ट करेगी।